ओम शांति। अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 13th और 14th, 13 और 14 जुलाई की। कल के ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम सर्वशक्तिवान बने परमात्मा की याद की स्मृति से। तो देखें परमात्मा कहते क्या है यहाँ पर। बाबा कहते हैं, स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा। स्मृति मतलब कि कभी भी याद ना भूले परमात्मा की, क्योंकि शक्ति उन्हीं से मिलती है। द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भवा। तो पुरुषार्थ भी कैसा हो? सहज हो। सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं, शक्तिशाली भी और विजयी। विजय किसके ऊपर पानी? किसी और व्यक्ति के ऊपर नहीं, लेकिन अपने अंदर की कमी कमजोरियों के ऊपर विजय पानी है। हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, आलस्य, अलबेलापन ना आए, इसके ऊपर जीत पानी है। तो परमात्मा कहते हैं, सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप हैं, परमात्मा की स्मृति में रहने वाले। उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं, भल कुछ भी हो जाए। परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, आपस में लोगों के संस्कार टकरा रहे हैं, कोई बड़ी परिस्थिति आ जाए, आप चाहते थे ऐसा हो लेकिन हो कुछ और जा रहा है, बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले। प्रकृति मतलब ये 5 एलिमेंट्स, ये शरीर भी क्या हो सकता है, आपकी प्रकृति भी पेपर ले सकती है। कोई व्याधि आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, या 5 तत्वों से धन दौलत संपत्ति में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलने नहीं देते। उनका मन और बुद्धि जो है वो हाय हाय तौबा नहीं करता है, क्यों हो गया, ऐसे नहीं करते तो ऐसा होता, उसने ये क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ये कैसे बोल दिया। इनके मन में ऐसे संकल्प नहीं आते, उनका मन अचल अटूट रहता है, उनको ये हासिल करना है, हासिल करके ही रहना है। बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने के बजाय फुल स्टॉप लगा देते हैं कि पास्ट में ऐसा ना होता, ऐसे नहीं किया होता, उसने काश ऐसे ना बोला था तो ऐसा ना हो रहा होता। वो उस पर भी वो फुल स्टॉप लगाते हैं कि अभी करना क्या है, इस समय क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है, पास्ट में जो हो गया हो गया, अभी करना क्या है, लगा देते हैं। उनके पास कभी अलबेलेपन अलबेलापन नहीं आ सकता। देखेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, हो ही जा रहा है, देखते हैं क्या होता है, वो ऐसे नहीं कर सकते हैं। वो अभी के अभी निर्णय लेते हैं, उनके अंदर परखने की शक्ति होती है, निर्णय लेने की शक्ति होती है उनके अंदर, और वो समझते हैं कि इस सिचुएशन को सामना कैसे करें, इस सिचुएशन में सहन कैसे करें, इस सिचुएशन में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, ये सारी शक्तियाँ उनके अंदर रहती है, प्रोवाइडेड कि वो स्मृति स्वरूप रहे, मतलब परमात्मा की याद में रहें। तो ही रहें कैसे उनकी याद में, ये आप सीखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। इसके साथ ओम शांति।